होगा अरोस? फिर से भाग जाएगा क्या शहरी? शादी कर पाएगा क्या फिरोज? फिर से किरण की मार खाएगा क्या सुल्तान भाई का पैसा? इसी तरह बहता जाएगा क्या मुजाहिद अब्बा से ऐसी जाया हो जाएगा? आई जी क्या इसी तरह घर आएगा क्या? रुकैया का दिल मुझ पे आएगा? अबे चल, हशमत एंड सन रिटर्न्स की कोई भी खबर चाहिए तो शुक्ल टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल दबाएं। सीधी शराफत से अपने आप को मेरे हवाले कर दे। खुदा की कसम मैंने पकड़ लिया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। हुआ क्या के बच्चे, बाजार में मेरे खिलाफ क्या बकवास कर रहा तू? क्या 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 कहा तूने? तूने ऐलान किया कि अशमत भाई घर छोड़ के भागने वाले हैं, जिसने अपने उधार वापस ले लें वो उधार वापस ले ले है? नहीं नहीं, अरे भाई मैंने वहाँ पे बोला भाईजान महकमा मौसमियात ने बरसात का ऐलान कर दिया, कश्तियाँ मंगवा लो, ट्यूबे खरीद लो तैरने के लिए। अबे चल, तेरी कश्तियों की ऐसी की तैसी, हम साले सारी उम्र तुझ पे एहसान करते रहे और तू हमारे खिलाफ बकवास कर रहा है? अरे नहीं नहीं भाई, बोला किसने ये बताओ? शहरी ने अपने कानों से सुना है सब कुछ। अरे नहीं अशमत भाई, यकीन करो अशमत भाई, बल्कि शेरी वहाँ पे बोल रहा था कि मेरा बाप जिस दिन मर गया ना सबको ऐश कराऊंगा। दुकानदार आए थे आपके सामने, क्या बोल रहे थे? दुकानदार हमसे बोल रहे थे कि तुम कह रहे हो कि तुम मेरे बेटे हो। अरे अशमत भाई, आपने तो बोला मैं आपके बेटे जैसा हूँ। अरे मैंने कहा था बेटे जैसा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम मेरे बेटे हो गए साले। अशमत भाई ऐसी की पकड़, इसको शरीर से पकड़, इसको इसकी जेब से पैसे निकाल। होंगे पैसे एक हफ्ते का सोच के बैठा हुआ था, लोगों को उधार देना था, कमीशन भी ले गए। भागे जा रहे, मेरी बात तो सुन ले, भागे जा रहे यार। अरे यार क्या मुसीबत है, घटे की तरह पीछे आ रहे हो, क्या मुसीबत है? अच्छा ये कितना है? 10,000। अच्छा वो मेरे प्यारे अब्बा 1200 रुपए देंगे। इसके 1200 रुपए वो मैं जा रहा हूँ ना शक्कर। तो मैंने जब तुम्हें मना किया था कि शक्कर नहीं जाना, नहीं जाना, शक्कर नहीं जाना, तो एक ही बात बार बार घुमा फिरा के क्यों कर रहे हो? अरे अब्बा दे देना यार, जाऊंगा ना। नहीं जाओगे, जब मैंने मना कर दिया नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, बस। मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? नहीं है, तुम मेरे बेटा ना, मुझे मेरा बेटा ना, तुम मेरे बेटे हो। अरे सगा बेटा हूँ भाई। वही सगा बेटा, मैंने आग किया तुम्हें यहाँ। नोट फाड़ दिया तुमने। अब दूसरा सही है, दूसरा भी फट गया। तेरी ऐसी की तैसी यार। नहीं 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 अब यहाँ पे ये चली तेरी तो मैं ऐसी की तैसी। खामोश बैठी, कुछ बोल नहीं रहे। रुकैया 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 खामोश क्यों बैठी है? अरे क्या बताऊँ अलाउद्दीन साहब, मेरी परेशानी कुछ ऐसी है। अब देखे ना, फिरोज और किरण को आप लेकर जा रहे हैं, शहरी जो है वो शक्कर जा रहा है, उज़्मा जो है इस्लामाबाद चली गई, और बिस्मा और बेरोज जो है वो भी कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। अब मैं अकेली कहाँ भटकूँ बताएं भला? अकेली? ओ, नहीं नहीं, आप अकेली नहीं है, मैं हूँ ना आपके साथ, मैं हूँ। आप बताइए कि मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? अरे आप तो मेरे बहुत काम आ सकते हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ बताइए बताइए बताइए, आपकी रिक्वेस्ट मानूंगा मैं। देखिए मुकरिएगा नहीं? नहीं 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 नहीं, मैं मुकर नहीं सकता, कैसे मुकरूंगा, मुकरने की तो जरूरत ही नहीं है। आप मुझे अपने साथ अमेरिका ले जा सकते हैं? हाँ क्यों नहीं ले जा सकता, बिल्कुल ले जाऊंगा मैं। अच्छा ये बताइए कि आपका पासपोर्ट बना हुआ है? 00 पासपोर्ट? नहीं भाई, पासपोर्ट पासपोर्ट ये जो बाहर जाते हैं ना दूसरे मुल्क, वो तो हशु को ही पता होगा। ओहो हशु को पता होगा तो फिर तो नहीं बना होगा। अब देखो पासपोर्ट के लिए बनवाने के लिए जब मैं दूंगा, टाइम तो खर्च होगा उसमें भी, और फिर वीजे के लिए अप्लाई करूंगा उसमें भी टाइम खर्च होगा, तो कम से कम 5-6 महीने तो लग जाएंगे। 5-6 महीने नहीं, आज ही के आज जाना चाहती हूँ मैं आपके साथ। बस बस अलाउद्दीन, देख ली मैंने तुम्हारी मोहब्बत? नहीं नहीं, तुम मेरा दिल चीर कर देखो, इस दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत मैंने कूट कूट कर। शेरी के बच्चे, साले 5,000 का नोट लो दिया। हाँ क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, कुछ चाय 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 मांग रहा था तो मैं मना कर रही थी, मांगे जा रहे हैं। ये भिखारी की औलाद कुछ भी मांगता रहेगा, तुम घर से ला के देती रहोगी। उठो यहाँ से, उठो। और तू चाय होटल पे जाके नहीं बैठ पी सकता, यहाँ पी के बैठ के पी रहा है? नहीं नहीं, मैं मेरी बेटी का घर है इसलिए मैंने कहा चाय पीऊंगा मैं। बेटी को लेके तुम अमेरिका जा रहे हो तो चाय भी अमेरिका जाके पीना। चलो मैं चाय पीऊंगा। अबे उठ यहाँ से। अरे
देखा तूने मेरे बेटे का रूप देखा तूने? जा 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 रहा हूँ। 100 कुत्ते मरे होंगे तो ये शेर पैदा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जा रहा हूँ। 100 कुत्ते साले तुझे क्या लग रहा है? अलाउद्दीन को डराकर तो मैं भूल जाऊंगा? तूने मेरा 10,000 का नुकसान पैसा निकाल। अरे वो मैंने मुट्ठी खोल दी वहां गिर गया। आओ मेरे साथ जल्दी आओ। अरे अरे क्या हाल कर दिया मेरे कमरे का? अरे अरे कुछ भी नहीं, हमारे पासपोर्ट गुम हो गए, वो ढूंढ रहे हैं। अगर आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा था तो आप मुझसे पूछती मेरे कमरे में क्या करेगा? आपका पासपोर्ट पूरा कमरा फैला दिया, इतनी मुश्किल से बैठी थी। अरे तो क्या हो गया, पासपोर्ट तो ढूंढने समेट लेना। आपको आसान लगता है ये सब कुछ? हमारे पास कोई क्या अलादीन का चिराग है जितना आसानी सब कुछ सही हो जाएगा? बस कर दो फिर बहरोज तुम, चलो चलो काम करो। आप कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती भाभी जान, इस कमरे में हमारी बहुत सारी कीमती चीज है, बहुत सारी कीमती चीज है। यार बस कर दो, तुम्हारे पास क्या कीमती चीज हो सकती है? भाई मेरे पास दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। क्या मतलब बिस्मत कोई चीज है क्या? क्या हो तुम? क्या बीवी हूँ तुम्हारी। बीवी सॉरी। अच्छा अच्छा चलो चलो, फिरोज नहीं है यहाँ पे, हम बाहर कहीं और जाके ढूंढते हैं। चलो आ जाओ। नहीं, फिरोज भाई मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, जल्दी से सब कुछ पहले ऐसा करें। नहीं मैम कोई नहीं करे, टाइम नहीं हमारे पास, तुम खुद कर लेना। चलो चलो फिरोज चलो। नहीं आप करे पहले। नहीं चुप करो, हमारे पास टाइम नहीं। हटो, मारना है जितना मारे फिरोज भाई को मारे, मेरे फिरोज को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। छोड़ो तुम यहाँ से, चलो समय ना बोल, आ जाओ। अरे बेबी बेबी तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएंगी। मैं करता हूँ कुछ, करता हूँ। क्या करोगे तुम? मैं दुआ करता हूँ, देखना सब ठीक हो जाएगा। रोज लानत है तुम पर, आओ मेरे साथ मिलके काम करवाओ। हाँ ठीक है बेबी। भाई जान बरसात होती है ना, ये घास जो है ना इतनी हो जाती है, बंदा नजर नहीं आता। कल रात को तो 2 नोएले पकड़े मैंने, पिछले हफ्ते 3 सांप पकड़ के आपका भाई यहाँ पे लेके बैठा है और दांतों से छील के फेंका है सांप को। बस कर ले, मैं भी सामने ही रहता हूँ, ये कब से आने लग गए यहाँ पे। अच्छा आप सामने ही रहते हैं? मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा। अच्छा ये बताओ कमीशन तो लाए हो ना मेरा? एडवांस सब मिल जाएगा। तूने घर की हालत देखी है, कैसे कलर उतर रहा है, खिड़कियों में दरवाजे नहीं है, क्या है उस घर में, नलके में कपड़ा घुसेड़ा हुआ है। अबे भाई ये सारे काम तो हम करवा के देंगे ना, वो एडवांस दिया हुआ है। जैसे चाबी आपको मिलेगी, एडवांस के अंदर से पैसे काटेंगे, नलके भी लगा देंगे, खिड़की बना देंगे, कलर करा देंगे, दरवाजे लगा देंगे, आपका मसला थोड़ी है। और ये होगा कब? जब तक वो बुड्ढा इस घर से बाहर जाएगा, जब ही होगा ना भाईजान। वो बुड्ढा आज की रात मेहमान है, कल चाबी आपके पास, आप उस घर के मालिक हो। जैसे ही तू चाबी देगा तुझे तेरा कमीशन मिल जाएगा। पहले कमीशन तो दे दो ना, तो मैं ये काम जल्दी करवा दूंगा। नहीं पहले चाबी फिर कमीशन। भाईजान मैं आखिरी बार आपको घर दिखा देता हूँ पूरा अंदर से, जितने मशीन बाहर निकलेगा मैं आपको घर का विजिट करा दूंगा, उसके बाद चाबी भी आपको यूं ला दूंगा। देख ले मेरी, अगर अब बेइज्जती हुई ना तो तुझे वहीं लिटा के मारूंगा मैं। मैं क्या मंदिर का घंटा हूँ जिसकी मर्जी बजा के चला जाएगा? क्या मतलब? तुमने फिल्म नहीं देखी? रहने दे, वो मेरा कमीशन रेडी रख भाई। तू कमीशन तो ऐसे बोल रहा, अभी तक काम हुआ ही नहीं है। कमीशन। अच्छा वो मैंने ना सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए, एग्रीमेंट पेपर वगैरह, ठीक है आप ट्राई करते दोबारा से घर में जाने। अरे सुल्तान अच्छा हुआ तुम मुझे यहाँ मिल गया, वरना पता नहीं कहाँ ढूंढना पड़ता है एडी चीपा। अरे बस कर दे, मुझे पता है जरूर आपको कोई मुझसे काम होगा। अरे आपको क्या हो गया, ये आप किस तरह बात कर रहे हैं? भाई दिन ब दिन मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। ऐसा ना हो कि आंखें माथे पे चढ़ जाए किसी दिन। हाँ तो ये आप इसलिए कह रहे हैं ना कि मेरे माथे पे जगह ज्यादा है? अबे चल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उर्दू का मुहावरा है आंखें माथे पे चढ़ा लेना, मतलब एटीट्यूड देना। तुम मुझे एटीट्यूड दे रहे हो? जी नहीं, मैं आपको कोई एटीट्यूड नहीं दे रहा हूँ। मतलब ये मैं उज़्मा भी इस्लामाबाद चली गई है तो मैं उसके पीछे इस्लामाबाद जा रहा हूँ। अबे चल, मेरे कहने का मतलब ये था बेटा, आके 5 महीने का किराया वो जाके मालिक मकान के मुंह पे मारो, और उससे ना मेरी तरफ से माजत कर लेना कि हशमत अंकल बुजुर्ग आदमी है, गुस्से में आपको 3-4 मुक्के मार दिए तो नाराज होने की बात नहीं है। इस तरह क्या होगा कि पूरा खानदान बिखरने से बच जाएगा और हम सब लोग एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहेंगे। नहीं मेरे पास भाई एक टेडी पैसा भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, मेरे पास 1 पैसा भी नहीं है, मैं नहीं दूंगा कोई पैसे वैसे। भाई मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, कितने तुम पे एहसान किए, और आज तुम मुझे ये जवाब दे रहे हो? कौन सा एहसान किए? एक एहसान याद दिला दे आप मुझे, एक याद दिला दे मैं मान जाऊंगा। अरे हजारों एहसान है, एक किया होता तो याद रहता ना, मैं तो एहसान करता जाता था भूलता जाता था, करता जाता था भूलता जाता था, ये शख्सियत है मेरी। भूलते कहां है अब, आपकी तो याददाश्त इतनी पक्की है, आपको तो 3 साल पहले का याद रहता है कि आपने मंगल वाले दिन दोपहर में पाए खाए थे। सुल्तान अच्छा मजाक करते हो, अच्छा मजाक करते हो।
मेरे पास पैसे नहीं है, एक रुपया भी नहीं है, और अब मैं एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकूंगा। मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ। अरे जान का, हेलो जान। हेलो जान, कहाँ है आप? अरे बस आ रहा हूँ। क्या आप अभी तक निकले नहीं? अरे वो क्या है ना कि टिकट के पैसे नहीं हो रहे थे, तो वो टिकट के पैसे जैसे होंगे ना वैसे उड़ता आ जाऊंगा। क्या तुम्हारे पास टिकट के पैसे भी नहीं है? नहीं नहीं नहीं, पैसे पैसे मेरे पास बहुत है, बहुत है, इतने हैं कि हाँ वो बोरे में भर रहा हूँ लेकिन भर नहीं पा रहा। क्या आपके पास इतने पैसे कि आप बोरियों में रखते हैं? हाँ। तो फिर जल्दी से आए ना, मैं आपका शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ जान। मेरी जान बस थोड़ा सा वेट करो, मैं आया, आई एम कमिंग। आई लव यू बेबी। वाह तू शेरी, ये बोरे में क्या है? अबे तुझे क्यों बताऊं मैं जो भी हो? मुझे बताना पड़ेगा कि इस बोरे में क्या है। तुम्हारा बाप है। क्या मतलब तुमने बाबा को कत्ल कर दिया, उनके टुकड़े टुकड़े करके बोरे में बंद कर देंगे? चुप हो जा, अपनी अपनी आंखें जान, मेरी कमीनी जान। तीन डब्बे वाले, बूसी टुकड़े वाले, मुझे बताओ कि इस बोरे में क्या है। अबे जो भी हो तुझे क्यों बताऊं मैं तुमसे शराफत से पूछ रहा हूँ कि इस बोरे में क्या है। तू कर ले बदमाशी, कर ले भाई। तीन डब्बे वाले, अबे वो निकल जाएगा। मैं नहीं, मैं बदमाशी से कैसे पूछ सकता हूँ भाई, मुझे बता दे कि इस बोरे में क्या है यार। अबे तुझे जान के करना क्या है, जो भी इस बोरे में यार। यार मेरा पासपोर्ट गायब है, सुबह से मैं वो ढूंढ रहा हूँ। अबे नहीं है यार इसमें। नहीं अगर नहीं है तो मुझे दिखाओ इसमें क्या है। तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं। अबे नहीं है, जब बोल रहा हूँ नहीं है तो नहीं है ना। तो मुझे दिखा दे तो नहीं है तो क्या है यार। तो छोड़। तीन डब्बे कौन चला जाएगा मुझे मारा क्यों है? मैं तो सिर्फ अपना पासपोर्ट चेक कर रहा था। मेरा कहाँ गया पासपोर्ट? मेरा पासपोर्ट कहाँ गया? ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम दोनों के पासपोर्ट गए कहाँ? ये तुम दोनों ने बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। अरे पापा घर में ही रखे थे पासपोर्ट, पता नहीं कहाँ चले गए। अरे घर में रखे थे? उसका मकसद है कि तुम्हारे पासपोर्ट चोरी किए गए हैं। अरे पासपोर्ट कोई चोरी करने की चीज है क्या? पैसे थोड़ी ना है पापा वो। अरे नहीं बेटा, हसमत का कोई भरोसा नहीं है। हाँ वो फिरोज को रोकने के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी चाल चल सकता है। यकीनन इसमें भी इसके कुछ चाल है। बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ भाई आजा आराम से आजा, पूरा घर देख। ऐसे क्या मुंह उठा के चले आ रहे हो? और ये कौन है तुम्हारे साथ? अरे बस बीबी हल्की हो जा, हल्की। तुम तो वैसे यूएसए जा रही हो, ये नया किराएदार है यहाँ का। जब मैं यूएसए जाऊंगी ना, जब की जब देखी जाएगी। फिलहाल हम इस घर को किराए पे नहीं चढ़ा रहे, निकलो इसको लेके, दफा हो यहाँ से। मैंने क्या बोला था? अगर अब मेरी बेइज्जती हुई तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा? हाँ भाई एक मिनट, एक मेरी बहन तू तो चली जाएगी यूएसए, अच्छा खाएगी, अच्छा पिएगी, अच्छा उड़ेगी। तेरा ये गरीब भाई यहाँ पर भूख से मर जाएगा। अच्छी घर दिखाने दे, कुछ कमीशन मिलेगा तो 15 दिन पेट भर के ये भूखा रोटी खा लेगा। अच्छा बेटा एक मिनट बेटा देखो कैसे रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। देखो इसको मकान देख रहे, तो अगर इसकी दुआएं लग गई ना तो तुम्हारे पासपोर्ट फौरन मिल जाएंगे। अच्छा जाओ जाके जल्दी देखो। जाओ मेहरबानी। अच्छा रुको एक मिनट, ये बताओ कि हसमत अंकल ने तुमसे क्या मेरा पासपोर्ट चुराया? नहीं, मैं हर दो नंबरी की कसम खाने को तैयार हूँ, लेकिन ये काम मैंने नहीं किया। इस बात पे तो तुम्हारे बाप की भी कसम ले। क्या मेरी कसम क्यों खा रहा तू? अरे मेरा नहीं है तो तुम्हारी खाऊंगा ना यार। क्यों बेटा, मुझे भी चिंता करने का है। अरे तो अभी तुम्हें जिंदा ही कितना रहना है? तुमने क्या दूसरा नया पाकिस्तान और बनाना है? बदतमीजी नहीं करो, जा जाके जल्दी घर देखो, ऑफिस आओ, चलो। हां नन्ना है, शादी करा दे। ये कर आ भाई, आज तेरे को वॉशरूम भी दिखाऊंगा। बात है कहाँ गए, अब टाइम निकला जा रहा है। हेलो कहाँ जा रहा है? आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्या है इसके अंदर, क्या ले जा रहा है? इसके अंदर सामान। क्या सामान है, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या है इसके अंदर? आपको क्यों बताऊँ भाई, जो भी सामान हो हमारे घर का। यहाँ मैं तेरा बाप नहीं हूँ, पुलिस अफसर हूँ, बता इसमें क्या है? पुराना सामान है। पुराना सामान हरकत ही नहीं गई तुम लोगों की। बाप भी सामान बेचता फिर रहा लोगों का, तू भी घर का सामान बेच रहा है। भाई ये हमारे घर का ना पुराना सामान है, हम चाहे तोड़े फेंके कुछ भी करे, हमारी मर्जी यार। अबे बता तेरा बाप कहाँ है? बाप हमारा बाहर गया, हमें क्या पता? बार बार नहीं गया, अंदर ही घर के अंदर। चल अंदर
भाई खुद जाके देख लो, मैं क्यों जाऊँ? अबे तू चल अंदर, मैं अकेला जाऊंगा तो तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं अश्वत मेरे पे। अच्छा आप जाओ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर। चल बे, चल अंदर, चल अंदर, चल। अरे भाई मैं आ रहा हूँ, दो मिनट में वो निकल जाएगा। अबे निकलने को छोड़, दरवाजा खोल। ओहो दरवाजा लॉक कर दिया तूने मुझे देख के। अबे चढ़ के बेल बजाओ ना, वो निकल जाएगा। मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। हां जी सर, चल उसके ऊपर चल। अच्छा चलो, पर कॉल। अबे निकल जाएगा यार वो, निकल जाएगा। तो चल निकल, निकल जाएगा ना। अबे दरवाजा खोल ले। तुम्हें अरे 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 बाबा, ये क्या कर रहे हैं इस गर्मी के मौसम में? आग जला के अपने हाथ सेक रहा है। आपका दिमाग तो ठीक है ना? दिमाग मेरा बिल्कुल ठीक है, और हाथ वाथ नहीं सेक रहा। मैं बस ये कागज का धुआं इधर उधर जा रहा था, उसको रोक रहा हूँ बैठकर। अच्छा तो मैं भी रोकूं? हाँ रोको रोको भाई। अच्छा, रोको। ये हरा रहा क्या है पापा? अरे बस वो कुछ पुराने कागज से वो मैंने जलाए हैं। अरे ये तो मेरा पासपोर्ट है। हाँ नहीं नहीं, सिर्फ तुम्हारा पासपोर्ट नहीं है, तुम्हारा और किरण दोनों का पासपोर्ट जला दिया मैंने। क्या बात कर रहे हो यार बाबा, आपने मेरा और किरण का पासपोर्ट जला दिया? ये क्या असल कर दिया आपने? मैंने असल में इसलिए किया है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। आपके बाप को बेयारो मददगार छोड़ के तुम खुद अमेरिका जा रहे हो, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अरे आप कैसे बाप है? अरे बाप तो अपनी औलाद की खातिर कुर्बानियां देते हैं, आप अपनी औलाद का मुस्तकबिल बर्दाश्त आपसे नहीं हो रहा है। मैंने जितनी कुर्बानी देनी थी मैं दे ली। जब तुम लोग छोटे थे तुम तीन भाइयों को तीन पापे लेकर आता था, दो तुम तीनों भाइयों को खिलाता, एक अकेला खुद खाता था मैं। तब भी तो ज्यादा तो आप ही खाते थे ना। मेरी बॉडी ज्यादा थी, मुझे तो तीनों खा जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, मुझसे गलती हुई। मैंने तुम तीनों भाइयों में हिस्सा बांटा, मुझसे गलती हुई, सारा कसूर मेरा था। इतने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, आज बूढ़े बाप को छोड़ के जा रहे हैं यहां पर। आप बात बात बता दे, बोल दे कि एक भयानक मजाक था, बोल दे पापा, बोल दे। हमारे घर में आ जाता जब देखो उसको। अरे अरे आई जी हमारा बाप है, जब वो बुलाएगा तो हम चले जाएंगे। चलो भाई आओ जरा। अरे चल गया, चल गया। अरे यार जाने दे मुझे, तू जाने दे, वो चले आएगा ना भाई। बैठ 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 रे बे। अश्वत कहाँ है? अश्वत आई जी साहब, मैंने सुल्तान को फोन किया है, वो ला रहा है अश्वत को ढूंढ के। अश्वत है वो? अश्वत कुछ सुई नहीं है जो ढूंढ के ला रहा है। आई जी साहब, आप किरण के और फिरोज के पासपोर्ट तलाश करने के लिए आए हैं? बच्चे पे इतना फालतू दिखता तो ये खाली कराने आए हो मकान? हा? क्या हो गया आई जी साहब, हमसे मकान खाली करवाएंगे आप? तुम्हारे लिए तो ऊपर का पोर्शन पूरा खाली है, तुम फिक्र क्यों कर रही हो? ऊपर का पोर्शन तो बिल्कुल खाली है। बस चुप कर जा, मैं अश्वत को रोड पे लाना है, मुझे अश्वत को रोड पे लाना है। निकलो ऐसे, निकलो ऐसे, ऐसे कैसे तुम किसी के रूम में घुस के आते हो? ये कोई चिड़िया का घोंसला है जो मुंह उठा के अंदर चले घुस रहे हो? अबे भाई हल्का हो जा, हल्का हो जा, घर दिखाने के लाया हूं, कोई तफरी करने थोड़ी आया हूं। मैंने तुम लोग घर दिखाने नहीं आए थे, तुम लोग मेरी बेबी देखने आए थे। अबे बेबी देखने आए थे? अंदर तू भी था, कोई बेबी थोड़ी देखने आए थे हम। हाँ तुमको मुझे जितना देखना है देख लो, और अगर तुम दोनों ने मेरी बेबी को देखा तो मैं तुम दोनों के आगे निकाल दे गोटियां खेलूंगा गोटियां। अबे हमारे इतने बुरे दिन थोड़ी आए थे तुझे देखेंगे। नहीं यार मुझे मजा नहीं आया। अबे क्या भाई घर दिखाने लाया हूं, कोई फिल्म दिखाने थोड़ी लाया हूं, मजा नहीं आया। ये उस टाइप का घर नहीं है जिस टाइप का मैं चाह रहा हूं। फिर तुझे नाले वाली दीवारों वाला घर दिला दे जो बारिश आए तो गिर जाए। क्या हो गया भाई, किस बात का शोर हो रहा है? अलाउद्दीन आ गया तो? हाँ भाई आई जी, किस लिए आए हो तुम यहाँ पर? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ यहाँ पे। बताओ जरा अब मैंने क्या कर दिया? तूने मालिक मकान का 5 महीने किराया नहीं दिया है और उस पर तशद्दुद भी किया है। ये हमारा आपस का मसला, इससे आपका क्या ताल्लुक? उसने तेरे खिलाफ FIR कटाई है। कच्चा पर्चा कटाया होगा, है ना? है ना कच्चा पर्चा है ना? हाँ अभी तो कच्चा पर्चा है। देखा देखा मुझे पता है, ये शक्ल से झूठा लग रहा था, झूठ बोल रहा है, बताओ जरा। अरे अरे फिरोज क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? इसके पेट में दर्द हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, इसकी छोटी उंगली फंस गई है। नहीं स्त्री में आ जाए, स्त्री में आ जाए। नहीं अरे तो क्या हो गया, क्यों रो रहे हो, बताओगे? पापा ने मेरा और तुम्हारा पासपोर्ट चला दिया। पासपोर्ट चलाना कोई जुर्म नहीं होता जो आईजी साहब गिरफ्तार कर लेंगे, और वैसे भी गलती से पासपोर्ट चलाए, रद्दी के कागज के अंदर पासपोर्ट रखा हुआ था, मैंने रद्दी चलाई वो चल गया। नहीं गलती से नहीं, जान के चलाए। फिरोज बकवास मत करो, गलती से चला था। अश्वत तुमने किरण और फिरोज के पासपोर्ट चला दिए? हाँ मैं तुम्हारा भी चलाने वाला था, फिर मुझे तरस आ गया, ये बुड्ढा हैदराबाद के पागलखाने में कब तक रहेगा और सारी जिंदगी अमेरिका नहीं जा सकेगा, यहीं तड़प तड़प के मर जाएगा। आईजी साहब देख ले आप, ये क्या तुम्हारा बाप लगता है जो उसको दिखा रहे हो? क्या 5
है कोई गुड न्यूज़ है? कोई गुड न्यूज़ नहीं है, अब हम शिफ्ट नहीं हो सकते, वहाँ पानी भर गया है। अरे बेबी ये तो बहुत अच्छी बात है, पानी आया है तो मछलियाँ भी आएगी, हम दोनों साथ मिलकर फिशिंग करेंगे। तुम पागल हो भैरोस, क्या मछलियाँ आएंगी क्या फिशिंग करेंगे, 5-5 फीट पानी भर गया घरों के अंदर। हाँ वाह भाई ये तो बहुत अच्छा हो गया, कुदरती तौर पे किरण फिरोज भी नहीं जा रहे, अब इसमें फिरोज भी यहीं पे, और तो किसी को कहीं नहीं जाना ना। हाँ हाँ मुझे जाना है अपनी महबूबा से मिलने सखर। अबे कहाँ जा रहे बेटिया, मैं यहीं हूँ। अबे तेरी बात कौन कर रहा है, अपनी महबूबा की बात कर रहा हूँ। हेलो शेरी माय जान माय लव माय प्यार, तू बहुत अमीर हो क्या शेरी? मैं तुम्हें कह रहा था कोई लड़का तुम्हें लड़की की आवाज में बेवकूफ बना रहा, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आ रहा, देखा तुमने देखा? अबे मुझे अबे चल भाग, तेरे जैसों की तो ताज के पत्तों में बेगम नहीं आती। अबे मैं तो तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। ओए ओए छोड़ेगा नहीं, कानून यहां बैठा है तेरे पास। हां मैं तो कहता हूं हाजी साहब आप यहां लेट जाए। अभी तक तो कच्चा है, पक्का पर्चा काट दीजिए। ठीक है सोच ले अच्छी तरह, पक्का काट दूंगा। हाँ काट दीजिए आग बंद करके। देख ले अश्मत एक बार एफ आई आर कट गई ना फिर गिरफ्तारी होगी। हाँ कर ले मुझे कोई टेंशन नहीं है, वैसे भी ये दोनों गिरफ्तार होंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में इन दोनों का नाम लिखा है, मेरा थोड़ी लिखा है। नहीं आई जी साहब अल्लाह के वास्ते अल्लाह रसूल के वास्ते पर्चा नहीं काटिएगा, मैं आपके एक एक पैसे को अदा कर दूंगा, कर्जा लेके अदा कर दूंगा, भीख मांग के अदा कर दूंगा, आप मेरा पर्चा नहीं काटिएगा। आप लोग अब यही रहेंगे, मैं और फैटमैन बाहर जा रहे हैं। मेरा और फैटमैन का यूरोप का शंघाई वीजा लग गया है। लेकिन वो जूते का डिब्बा तो मैंने सुबह जमादार को दे दिया। जूते का डिब्बा तुमने जमादार को दे दिया? Thank you.